दोस्तों नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों में सबसे मोस्ट और सबसे वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों जो टॉलमैन महोदय हैं, मैं उनका आपको सिद्धांत पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। तो टॉलमैन जो है वैज्ञानिक है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक, इन्होंने छिन्न अधिगम या अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत दिया था दोस्तों। साइन लर्निंग या लेटेंट लर्निंग थ्योरी दोस्तों टॉलमैन द्वारा प्रतिपादित अधिगम का यह सिद्धांत है दोस्तों कि इन्होंने बताया कि जो प्राणी है वो जो है एक नया व्यवहार सीख लेता है, परंतु दोस्तों उस जो व्यवहार उसने सीखा उसको व्यक्त नहीं कर पाता दोस्तों, उसको दर्शा नहीं पाता दोस्तों। यदि उसे दर्शाने हेतु प्राणी को प्रबलन ना प्राप्त हो, इस प्रकार के अधिगम को टॉलमैन ने अव्यक्त अधिगम का जो संप्रदाय है उसके रूप में दोस्तों प्रस्तुत किया है। दोस्तों अव्यक्त अधिगम कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि अव्यक्त अधिगम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया या इस अव्यक्त अधिगम का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से। दोस्तों आपको जानकारी होना चाहिए टॉलमैन महोदय। दोस्तों आगे बढ़ते ही इन्होंने जो अपनी बात कही दोस्तों, मैं उस बात से आप लोगों को इंगित कराने वाला हूँ, उस बात से आपको अवगत कराने वाला हूँ दोस्तों। इन्होंने सबसे पहले चीज दोस्तों चूहों पर प्रयोग किया था, इन दो लोगों का साथ था इसमें दोस्तों, टॉलमैन और उसका सहयोगी होंजिक। इन्होंने दोस्तों अपने प्रैक्टिकल में निष्कर्ष निकाला कि अधिगम और निष्पादन दो अलग अलग प्रक्रिया है दोस्तों। मतलब जब कोई प्राणी अपने वातावरण में कोई नया व्यवहार सीखता है तो वो दो चीजें होती हैं दोस्तों, एक अधिगम और एक निष्पादन। दोस्तों ये दो प्रक्रियाएं हैं, इसका मतलब ये है कि किसी प्राणी में अधिगम तो संपन्न होगा, वह चीजों को तो सीखेगा, लेकिन दोस्तों वह जो अधिगम है उसको निष्पादन के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा। दोस्तों निष्पादन का मतलब हमें उसको निष्पादित करना, एक प्रकार से बोले तो बाह्य प्रकाशन दोस्तों। तो प्राणी जब उसका निष्पादन नहीं करेगा तो इस प्रकार के अधिगम को दोस्तों क्या कहा जाएगा दोस्तों, तो इसे निष्पादन कहा जाएगा। और टॉलमेल ने इसको अव्यक्त अधिगम कहा दोस्तों, जिसे प्राणी व्यक्त नहीं कर पाता, मतलब कि अव्यक्त अधिगम दोस्तों। दोस्तों वर्ग दो 2018 में जो सवाल पूछा गया दोस्तों, यह सवाल पूछा गया था दोस्तों कि टॉलमैन का संबंध किस अधिगम के सिद्धांत से है। तो दोस्तों अव्यक्त अधिगम से उसका संबंध है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको और किस दिशा में वीडियो चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़िए, अपन को एक बहुत बड़ी टीम तैयार करना दोस्तों। मैं आप लोगों को लोगों के लिए जितने भी बाल विकास के इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों सारे टॉपिक की वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों टॉलमैन जो महोदय हैं उन्होंने टॉलमैन ने उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद की शुरुआत की, परपोजिव बिहेवियर। दोस्तों उनका मत था कि व्यवहारवाद की संकल्पना में उद्देश्य पूर्ण प्राणी के रूप में किसी प्राणी का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, है ना। अब देखो दोस्तों ये बातें तो उन्होंने बतलाया, लेकिन क्या क्या चीजें और मुख्य भूमिका है इसके सिद्धांत में वो भी देखते हैं। दोस्तों उनका मानना था कि प्राणी द्वारा किए गए सभी व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होते हैं, और तथा चूंकि व्यवहारवाद में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इस उद्देश्य में व्यवहारवाद को सम्मिलित किया जाता। दोस्तों कहने का सीधा मतलब ये है कि जो प्राणी होता है वो जो भी व्यवहार करता है या जो भी व्यवहार सीखता है वह एक उद्देश्यपूर्ण होता है दोस्तों। मतलब कि व्यवहारवाद में प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा दोस्तों, वह व्यवहारवाद कहलाता है दोस्तों। और टॉलमैन जो महोदय है उन्होंने भी यही बात बतलाई। टॉलमैन ने कहा कि अधिगम एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, तथा उन्होंने बताया कि एक लक्ष्य आधारित प्रक्रिया। दोस्तों जब हम अधिगम करते हैं तो जो चीज हम सीखते हैं वह चीज हमारे लिए एक लक्ष्य का काम करती है दोस्तों, एक हमारे लिए कहना चाहिए गोल्स या एम्स, उद्देश्य लक्ष्य हमारा उसके लिए काम करती है दोस्तों। अतः किसी भी परिस्थितियों में अधिगम की संभावना सर्वाधिक तब होती है जब व्यवहार से कोई लक्ष्य का संबंध हो। मतलब तो दोस्तों जो चीज को हम सीखना है वह हमारा लक्ष्य हुआ, है ना दोस्तों। तो व्यवहार से जो लक्ष्य है उसका हमारा संबंध होना बहुत जरूरी दोस्तों, तभी प्राणी अधिगम ज्यादा से ज्यादा कर पाएगा वर्तमान की परिस्थितियों में। दोस्तों टॉलमैन महोदय से एक सवाल और पूछा वर्ग दो 2018 में कि टॉलमैन ने संज्ञानात्मक मानचित्र का संप्रत्यय प्रतिपादित किया। सवाल क्या पूछा था दोस्तों,
संज्ञानात्मक मानचित्र का संबंध या संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो टॉलमैन महोदय ने दिया था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2 नंबर के सवाल पूछे गए थे दोस्तों वर्ग 2 में। तो दोस्तों ये बात भी पता होनी चाहिए कि संज्ञानात्मक मानचित्र से आशय अधिगम प्रक्रिया के दौरान मस्तिष्क में बनने वाले विभिन्न चिन्हों को सम्मिलित रूप से बने मानचित्र से होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब सीधा है दोस्तों कि जो संज्ञानात्मक मानचित्र है, जो हमारा संज्ञान है या हमारा जो संप्रत्यय है, वो जो हमारे मानस पटल पर जो भी बिंब उस वस्तु के प्रति बनता है दोस्तों, वह एक प्रकार का मानचित्र होता है दोस्तों। और अधिगम प्रक्रिया के दौरान यही बिंब हमारे मानस पटल या मस्तिष्क पर जो चिन्हों के रूप में एक सम्मिलित उसका एक जो संगठन होता है दोस्तों, वही मानचित्र कहलाता है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और है दोस्तों, टॉलमैन महोदय ने बताया कि प्राणी द्वारा विभिन्न विकल्प बिंदुओं में से जब किसी विशेष विकल्प बिंदु को चुनने पर सफलता प्राप्त होती है, तो उस विशिष्ट विकल्प बिंदु के साथ उसकी प्रत्याशा जुड़ जाती है, और इस प्रकार जो चिन्ह है मस्तिष्क में उत्पन्न होता है और प्रत्येक प्रयास के साथ सुदृढ़ होता जाता है दोस्तों। तो यह दोस्तों, तो टॉलमैन महोदय के बारे में आप लोगों को मैंने सारी जानकारी दे दिया दोस्तों। तो बहुत ही मोस्ट सिद्धांत ना दोस्तों, और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज के इतना ही, हम मिलेंगे अगले।